Hey everyone, this is Pooja and today I'm going to solve the exercise 5.2 question number 2. Question number 2 में बोला है आपको express each of the following numbers in standard form. Same first question की तरह है, आपको इसको standard form में ही change करना है. इस बार आपको इसके साथ एक statement लिखी हुई दी है, कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, जैसे कि diameter of earth, आपको earth का diameter दिया है कितना, इतना. आपको सिर्फ नंबर पे फोकस करना है. इस नंबर को आपको चेंज किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. और ये भी कौन सी फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का सिंपल मेथड हम यूज करेंगे, वही करेंगे. सबसे पहले इसमें से हम जीरोस को क्या करेंगे, सेपरेट. सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, वो हमारा है जीरो को सेपरेट करना. तो 1 2 7 5 6 इंटू 1 2 3 मीटर. थ्री जीरो से हमने सेपरेट कर दिया. नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वन फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी सबको हमें किस में कर देना है, डेसिमल में. लाइक 2 7 5 6 इंटू आपने वन के बाद जितने भी नंबर्स को छोड़ा है वो क्या हो गए, डेसिमल प्लेस हो गए उसके. तब उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4. वन के बाद डेसिमल लगाने के बाद जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे छोड़ोगे, ठीक है, जितने भी डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही हमें जीरो से लेने हैं. 1 2 3 4, दैट मीन्स 1 2 3 4 इंटू 1000 हमारे पास ऑलरेडी गिवन था. ठीक है, आप क्या करेंगे, 1.2756 इंटू 1 2 3 4 5 6 7. कितने जीरोस आ गए हमारे पास, 7. दैट मीन्स 10^7 मीटर. तो आपको क्या आ गया, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.2527 5 6 इंटू 10^7 मीटर. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. अब है नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. अब आपको अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना, इतना. सबसे पहले इसके जीरोस को सेपरेट करेंगे, 3 8 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे एक सिंगल नंबर के फॉर्म में, इट मीन्स 3.84 इंटू जो हमारे पास 7 6 जीरोस गिवन थे वही लिखेंगे, मीटर. अब नेक्स्ट हमने इसको नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, डेसिमल के फॉर्म में. अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 2. डेसिमल प्लेस जितने होंगे उतना आपको जीरो फिर से लेने हैं, इट मीन्स 1 2. ठीक है, क्योंकि अभी डेसिमल में आ गए तो डेसिमल के बाद 1 2 0 इसलिए लेंगे क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल शिफ्ट किया है, इंटू 1 2 3 4 5 6 मीटर. नेक्स्ट 3.84 इंटू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस, इट मीन्स 10^8 मीटर. क्या लिखेंगे, लास्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10^8 मीटर. तो हो गया आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001. 2001 में मार्च में पॉपुलेशन क्या थी इंडिया की. ठीक है, सबसे पहले जीरो को सेपरेट, 1 0 2 7 इंटू 6 जीरो, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6. अब जीरो सेपरेट करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर को सेपरेट करना है, लाइक 1.027 इंटू. अब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स उतने जीरो आपको लेने हैं, 1 2 3, इट मीन्स 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 1.027 इंटू कितने जीरो हो गए, 6 8 7 8 9, इट मीन्स कितना हो गया, 10^9. तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च इज इक्वल टू 1.027 इंटू 10^9. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, कि हमारी गैलेक्सी में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं. ठीक है, सिंपल है ये आपका,
11 जीरोस है, तो 11 के 11 जीरोस को क्या कर लेंगे हम सेपरेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्या हो जाएगा ये। ऐसे सेपरेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 10 raised to the power 11, इसमें ऑलरेडी आपको इस तरह से गिवन है कि आपको उसको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें सिर्फ नंबर्स के केस में करना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 raised to the power 11, सिंपल। ये लास्ट है द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स की हमारी प्रेजेंट एज करंट एज क्या है, ठीक है। 1 2 into 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 9, कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस जीरो सेपरेट कर ली। अब हम क्या करेंगे इसको सेपरेट, 1.2, फोर डिजिट को छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। कितना डेसिमल के बाद वन नंबर है, दैट मीन्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 1.2 into ये 9 था, लेकिन मिला के इतना हो गया 10, इट मीन्स 10 raised to the power 10, यस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 1.2 into 10 raised to the power 10, यस। क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।